स्वागत करते हैं इंडिया समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट की अंतिम यूनिट यूनिट नंबर 5 की हम बात करने वाले, जो हमारे पास क्या है द्रव अवस्था अर्थात लिक्विड स्टेट की बात करेंगे। हमने पिछले 4 मिनट को अच्छे से कवर किया है, आशा करते हैं आप 4 मिनट अच्छे से आपको समझ में आई होगी और आप उसका लगातार रिविजन भी करते रहिए और रिविजन करते रहने से एग्जाम आने तक आपको अच्छे से और क्या हुए याद रह जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की कुछ टॉपिकों की, हम किस संदर्भ में और किस प्रकार से यूनिट नंबर 5 के टॉपिकों को कवर करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास पहले टॉपिक आता है वो आता है अंतर आणविक बल आता है, दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या आता है ध्रुवों की संरचना की बात करेंगे और हम क्या करेंगे गुणात्मक वर्णन करेंगे ठोस का। ठीक है, द्रव गैसों में संरचनात्मक भेद करेंगे कि संरचना रूप से द्रव गैसों में किस प्रकार से भिन्नताएं हैं। फिर हम बात करेंगे द्रव क्रिस्टल ठोस में द्रवों में अंतर की बात करेंगे। पांचवा हमारा टॉपिक है वो हमारे पास वर्गीकरण निमेटिक तथा कोलेस्टेरिक प्रस्तावों की संरचना के हम गणितीय अवधारणा की बात करेंगे, लघु गणितीय संबंध, फिर हम क्या कहते हैं उनका वक्र खींचेंगे, फिर उनका ग्राफीय रेखीय ग्राफ बनाएंगे, ढाल की गणना करेंगे जैसे फलों का अवकलन, उच्च निम्न ज्ञात करेंगे, मैक्सिमम में मिनिमम ज्ञात करेंगे, आंशिक अवकलन ज्ञात करेंगे, अभ्यास के संबंध देखेंगे, कुछ उपयोगी देखेंगे, संगत फलों का समाकलन देखने वाले हैं, क्रम चय और समन्वय देखेंगे और क्रम गुणित पर्यायता को भी देखने वाले हैं। यह हमारे पास क्या है जो द्रव अवस्था था जो लिक्विड स्टेट है उनसे रिलेटेड ये हमारे प्रमुख बिंदु हैं जिससे हम आगे आने वाले लेक्चर के अंदर इन बिंदुओं को कवर करेंगे और आदमी नंबर 5 को हम समाप्त करेंगे। तो आशा करेंगे आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए।